आज मैं आपको सलवार को काटकर प्लाजो बनाना सिखा रही हूँ, जिससे आप किसी भी सलवार को अपने प्लाजो में बदल सकते हैं और अपनी कुर्ती का प्लाजो सेट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने लिए सिंपल सलवार जो सिर्फ 2 मीटर में तैयार है, ठीक है। तो इसी को काटकर हम प्लाजो बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि नीचे की मोहरी का कपड़ा काटकर निकाल देना है। यहाँ पर जो बकरम डली होती है उसे काटकर आपको निकाल देना है। इस तरह सीधा इसको काट दीजिए, दोनों साइड को, दोनों मोहरी को काटकर हम निकाल देंगे। उसके बाद जितनी साइज का ये कटता है उतना ही कपड़ा ये नेफाम में दबा रहता है, ठीक है। तो इसी कपड़े को खोलना है, इस सिलाई को तोड़ना है आपको, फिर इस सिलाई को तोड़ना है, तीसरी सिलाई ये रहेगी और चौथी सिलाई ये रहेगी। ये चारों सिलाइयों को खोलकर हमें निकाल देना है। तो सिलाई तोड़ने के लिए आपको टूल्स लेना है और इसकी फटाफट सिलाई निकाल देना है इस तरह। तो सिलाई तोड़ने का आइडिया सबसे सिंपल ये रहता है कि एक धागा को पकड़ना है आपको, इस तरह झटक देना है। इस तरह आप बहुत जल्दी से सिलाई को निकाल सकते हैं। थोड़ा सा धागा फिर काट लीजिए और फिर इसको झटकते जाइए। एक बार आगे से धागा तोड़ना है और एक बार पीछे से धागा तोड़ना है। इस तरह आप बहुत जल्दी से धागे को तोड़कर इसे खोल सकते हैं। तो इसी तरह हम पूरे धागों को तोड़ देंगे, उसके बाद इसको काट कर निकाल देंगे। तो इस तरह आपको सलवार की सारी सिलाइयों को तोड़ना है। सिलाई को तोड़ने के बाद बेल्ट और कली अलग अलग कर देना है। इस तरह बेल्ट और कली इसकी अलग अलग हो जाएंगी। उसके बाद अब आपको अच्छे से इस पे प्रेस करना है, जिससे कपड़ा कहीं पर भी मोड़ा ना रहे। तो अच्छे से आपको इसमें प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद अब आपको क्या करना है कि जिस साइज की आपकी सलवार है उसी साइज का आपको प्लाजो लेना है, जिससे आपको किसी भी नाप को याद नहीं रखना पड़ेगा और आपका प्लाजो परफेक्ट बन जाएगा। तो ये ले लिया है हमने एक प्लाजो, ठीक है। जिस साइज की सलवार है उसी साइज का ये प्लाजो है। अब इसको मिलाकर चेक करेंगे इस तरह कि जितना इसका नीचे का घेरा है मोहरी का, क्या ये इधर आ रहा है या नहीं। तो इस तरह हम चेक कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा घेरा कम पड़ रहा है, मोहरी के लिए कपड़ा कम पड़ रहा है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको ज्वाइंट नहीं लगाना है। अगर आप घेरा की साइड ज्वाइंट लगाएंगे तो ज्वाइंट फीका दिखेगा। इसलिए आपको क्या करना है कि इन कलियों को उठाना है और इसको पलट देना है इस तरह, जिससे आपका प्लाजो का जो घेरा है वो फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार होगा। अब आपको ध्यान यहाँ पर देना है। यहाँ पर थोड़े से कपड़े को दबा कर रखिए, जो सिलाई का मार्जिन होता है उसे हमने इस तरह दबा दिया है। तो इस तरह हमने 1/2 इंच कपड़े को यहाँ पर दबा कर रख दिया है। इस तरह ये सिलाई का मार्जिन हो गया है। अब आपको इसे नाप कर चेक करना है। तो लंबाई तो इसकी बिल्कुल परफेक्ट आ गई है, ठीक है। यहाँ पर इलास्टिक के लिए कपड़ा ये फोल्ड हो जाएगा और ये कपड़ा नीचे की साइड मोहरी में फोल्ड हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि मोहरी के हिसाब से कपड़े का बस मार्जिन बढ़ाते हुए इस कपड़े की सीधी कटिंग करना है। तो ये मार्जिन हो गया है नीचे के फोल्ड के लिए। अब यहाँ पर मार्जिन को बढ़ाते हुए इस तरह निशान लगा लेंगे। पहले हम सीधे कपड़े को काट कर निकाल देंगे इस तरह। अब इस कपड़े को उठाएंगे और यहाँ पर जॉइंट लगा देंगे। यहाँ पर जॉइंट लगाना है। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो इसकी मोहरी है वो फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाएगी और यहाँ पर कोई भी जॉइंट नहीं दिखेगा। तो जॉइंट ये ऊपर की साइड आएगा और ये दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो इस तरह आपको प्लाजो की कटिंग करना है। अब यहाँ पर देखिए कि पहले हम इस कपड़े को सीधा कर देंगे इस तरह काट कर, जिससे जॉइंट लगाने में आसानी होगी। इस तरह सीधा किया और इसको रखते हुए चारों कलियों में आपको जॉइंट लगा देना है। अब आपको क्या करना है कि 2 पीस इसके उठाना है और 1 पीस इसका उठाना है और इसमें जॉइंट करना है, ठीक है। 2 पार्ट आपको इसके लेना है, एक कटे हुए जो पीस रहेंगे वो और एक जॉइंट वाला। अब इसमें हम जॉइंट लगा देंगे। तो बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि जॉइंट आपको नीचे की साइड नहीं लगाना है। अगर आप इस साइड से घेरा बढ़ाने के लिए जॉइंट लगाएंगे तो आपके प्लाजो में फिनिशिंग नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पर कपड़ा मुड़ेगा, इसलिए जॉइंट आपको इधर नहीं लगाना है, जॉइंट आपको इधर लगाना है।
ऊपर की साइड आप जॉइंट लगाइए, बस इसका आपको डायरेक्शन चेंज करना है। उसके बाद बस इसको मिलाकर रखिए और इसके ऊपर फिर प्लाजो को रखिए। अच्छे से यहाँ पर मिलाकर रखना है, उसके बाद यहाँ पर प्लाजो को उठाएंगे और मिलाकर सेट करेंगे। तो ऊपर से मिलाकर रखना है इस तरह। यहाँ पर इलास्टिक के लिए कपड़ा छोड़ना है, ये आप चाहें तो पहले यहाँ पर इलास्टिक को रख सकते हैं, जिससे आपको पता रहेगा कि इलास्टिक के बराबर कितना कपड़ा छोड़ना है। तो आप जितनी चौड़ी इलास्टिक डालना चाहते हैं उसके बराबर यहाँ पर रख लीजिए। ये इलास्टिक की साइज हो जाएगी और ये ऊपर का मार्जिन हो जाएगा जो इसमें पलट कर आएगा, ठीक है। तो इसके बराबर से इलास्टिक जाएगी। तो ये निकाल दिया हमने इलास्टिक के लिए मार्जिन। उसके बाद आपको क्या करना है, बस यहाँ पर इसको मिलाकर रखना है इस तरह। तो जितने बेल्ट की साइज है उसी के पास से आपको इसे मिलाकर रखना है, क्योंकि इलास्टिक से ऊपर का कपड़ा सिमट जाता है, इसलिए आपको ऊपर की साइज नहीं मिलेगी। तो आपको बस क्या करना है, बेल्ट से मिलाइए और आसन की साइज को निकाल लीजिए। अच्छे से मिलाते हुए इसका निशान बना लीजिए और यहाँ पर आधा इंच बढ़ा लीजिए इस तरह। इस तरह आपको निशान बनाना है और इसी निशान पर इसकी कटिंग करना है। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से प्लाजो की कटिंग कर सकते हैं। आपको साइज के हिसाब से आसन की साइज मिल जाएगी और प्लाजो की कटिंग हो जाएगी। अब हम इसे सिलना शुरू करेंगे। तो आपको क्या करना है कि एक पार्ट इसका लेना है और एक पार्ट इसका लेना है। अभी एक पार्ट को हम साइड से रख देंगे। तो बेल्ट को आपको सीधा रखना है और इस कली को उठाकर इसके ऊपर उल्टा रखना है। बस मिलाकर रखिए और आधे इंच के हिसाब से इसमें सिलाई डाल दीजिए। तो इस तरह आपको बेल्ट को इसमें ज्वाइंट करना है। अब इसी तरह बेल्ट आपको दूसरे पार्ट में भी ज्वाइंट करना है, तो आइडिया बिल्कुल सेम रहेगा। और इसको पलट कर रख लीजिए। इसको हमने सीधा फैला कर रख दिया है। अब दूसरे पार्ट को उठाना है और इसके ऊपर उल्टे साइड से फैला कर रखना है। ये सीधा है, दूसरा पार्ट ये उल्टा है। अब आपको आसन की साइड से बराबर से इस तरह मिलाना है। यहाँ पर पिन लगा लीजिए जिससे कपड़ा आपको संभालना नहीं पड़ेगा। इस तरह मिलाकर रखिए और आधा इंच के हिसाब से इसमें सिलाई चला दीजिए। दोनों साइड आपको सिलाई डालना है, आधा आधा इंच के हिसाब से दोनों साइड सिलाई डाल दीजिए। तो इस तरह आपको सिलाई को घुमाते हुए गोलाई से सिलाई डालना है, ठीक है। इस तरह सिलाई डालने के बाद अब आपको इसे बीच से पकड़ना है। इस तरह बीच से पकड़ लीजिए, ठीक है। ये आसन की जो सिलाई थी वो बीच सेंटर में आ गई है। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि इस कपड़े को इस तरह फोल्ड करिए और यहाँ पर इलास्टिक के लिए नेफा बना दीजिए। इस तरह कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पर पिन लगाते जाएंगे। यहाँ पर आप पिन से इसको रोक कर रखेंगे तो आपको बिल्कुल नहीं संभालना पड़ेगा और आसानी से आप सिलाई डाल देंगे। इस तरह बस मिलाते हुए इसको पकड़ना है और इसके किनारे से सिलाई डालते हुए घुमा देना है। तो इस तरह आपको सिलाई डालकर इस पूरे नेफा को बनाकर तैयार करना है और यहाँ पर एक इंच का गैप छोड़ना है जहां से हम इलास्टिक को डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने गैप को छोड़ दिया है। अब आपको क्या करना है कि इलास्टिक लेना है और अपनी कमर की गोलाई में लगाकर चेक करना है। जितनी आपको कंफर्टेबल होती है उतना काट कर निकाल लीजिए, या फिर आप चाहें तो अपने प्लाजो को रख कर भी आप इलास्टिक को निकाल सकते हैं। मैं आपको आइडिया बता देती हूँ। तो इस तरह आप प्लाजो को मिलाकर रख लीजिए और इलास्टिक को इसके बराबर से डबल कर लीजिए। अब इधर थोड़ा सा बढ़ाते हुए इसे काट लीजिए इस तरह। इस तरह भी आप अपनी साइज के हिसाब से इलास्टिक को निकाल सकते हैं। अब आपको एक सेफ्टी पिन लेना है और इलास्टिक को प्लाजो में डाल देना है। जहां से हमने गैप छोड़ा है उधर से इलास्टिक को डाल देंगे। इस तरह आपको इलास्टिक डालना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस तरह इलास्टिक को पकड़ना है, इसको दबाइए और इसके ऊपर इसको रख दीजिए और अच्छे से इसमें मिलाते हुए दो तीन सिलाई डाल दीजिए जिससे स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। उसके बाद बस इसको अंदर करना है और यहाँ पे जो हमने गैप छोड़ा है उसको बंद करना है।
तो इलास्टिक को इसके अंदर डाल दिया है और यहाँ पे जो गैप छोड़ा था उसको बंद कर दिया है। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि इलास्टिक को अच्छे से मिलाकर खींचना है, जिससे पूरी इलास्टिक बराबर से हो जाएगी। अब इलास्टिक ना पलटे उसके लिए आपको क्या करना है कि इसमें लंबी सिलाई डाल दीजिए। जगह जगह आप 2-3 सिलाई डाल देंगे तो इलास्टिक बिल्कुल भी नहीं पलटेगी इस तरह। तो यहाँ पे बस इस तरह पकड़िए और इसमें लंबी सिलाई डाल दीजिए, जिससे इलास्टिक आपकी नहीं पलटेगी, ठीक है। उसके बाद बस अब आपको क्या करना है कि इसके नीचे की साइड सिलाई डालना है। अब दोनों को बस मिलाते हुए आपको पकड़ना है, इस तरह बस मिलाकर रखिए और 1/2 इंच के हिसाब से इसमें सिलाई डाल दीजिए और बीच सेंटर में एक पिन लगा कर रखिए, जिससे कोई भी पार्ट इधर उधर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको पिन लगा लेना है, जिससे सिलाई डालने में आसानी होगी और ये दोनों सेंटर में रहेंगे। अब बस 1/2 इंच के हिसाब से सिलाई दोनों साइड डाल देंगे। एक बार सिलाई को शुरू करना है, पूरा कंप्लीट करना है। तो इस तरह आपको इसमें घुमाते हुए सिलाई डालना है। और आपको एक खास बात बता देती हूँ कि आसन की सिलाई अगर जब आपकी इस तरह जाती है, ठीक है, जब आप इस तरह पकड़कर चेक करेंगे और ये आसन इस तरह सीधा हो जाता है, तो समझ जाइए कि आपकी कटिंग बिल्कुल परफेक्ट हुई है। ये बैठने में बिल्कुल भी खिंचाव नहीं करेगा। अगर ये सिलाई स्टेड इस तरह हो जाती है तो समझना है आपको कि इसकी कटिंग बिल्कुल परफेक्ट है और ये बैठने में नहीं खिंचाव करेगा। अब बस इसमें क्या करना है कि इंटरलॉक कर देंगे तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि मोहरी में सिलाई डालना है। तो इस कपड़े को इस तरह पकड़ना है, थोड़े से कपड़े को पहले फोल्ड किया 1/2 इंच और फिर 1/2 इंच कपड़े को फोल्ड कर देंगे। जितना भी यहाँ पे मार्जिन है उसको फोल्ड कर दीजिए इस तरह और बस किनारे से इसमें सिलाई डाल देंगे। इस तरह बस कपड़े को मिलाते जाना है और इसमें सिलाई डालते जाना है। तो सेम आइडिया से हम दोनों मोहरी को तैयार कर देंगे। तो इस तरह आपको सिलाई डालकर मोहरी को तैयार करना है। इसी तरह हमने दोनों मोहरियों को तैयार कर दिया है। अब प्लाजो बनकर तैयार है। अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर प्लाजो बनकर तैयार हो गया है। इस तरह आप अपनी सलवार को प्लाजो में चेंज कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये पहले सलवार था और अब ये प्लाजो बन गया है। तो अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और अपनी कुर्ती का प्लाजो सेट बनाकर तैयार कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके।